बॉलीवुड के राजकुमारी कहें या कहें स्वर्ग की अप्सरा, जो भी कहें वहीदा रहमान के लिए कम ही पड़ेगा। बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे बड़े सितारों में से एक नया सितारा है वहीदा रहमान। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे वहीदा रहमान के बारे में। एक्ट्रेस होने के साथ साथ वहीदा रहमान एक अच्छे ट्रेंड डांसर भी है। तो चलिए देर न करते हुए हम हमारे वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वहीदा रहमान की लाइफस्टाइल। रियल नेम वहीदा रहमान, निक नेम वही। प्रोफेशन वहीदा रहमान प्रोफेशन से एक इंडियन एक्ट्रेस हैं। डेट ऑफ बर्थ 3 फरवरी 1938 में वहीदा रहमान का जन्म हुआ था। बर्थ प्लेस ब्रिटिश इंडिया के चिंगलपूत मद्रास प्रेसिडेंसी वहीदा रहमान के जन्म स्थान है। चलिए वहीदा रहमान के एडुकेशन के बारे में जानते हैं। विशाखापट्टनम के एसटी जोसेफ कॉन्वेंट से उन्होंने अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई खत्म की है। वहीदा रहमान एक अच्छे डॉक्टर बनकर देश का सेवा करना चाहते थे, मगर उनकी मॉम के तबीयत बिगड़ने की वजह से उनका ये ड्रीम पूरा ना हो सका। उसके बाद तो वहीदा रहमान ने एक्ट्रेस बनने का सोचा और उन्होंने उनकी बहन के साथ मिलकर भरतनाट्यम सीखना चालू कर दिया। फिजिकल स्टेटस वहीदा रहमान के हाइट है 5 फीट 4 इंच और वेट है करीब 55 किलोग्राम। हेयर कलर यानी कि बालों का रंग है व्हाइट और उनकी आंखों का रंग है ब्लैक। वहीदा रहमान के बालों का रंग सफेद हुआ है, मगर उनकी खूबसूरती जरा से भी कम नहीं हुआ। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं और देखते हैं वहीदा रहमान के फैमिली में कौन कौन है। फादर नेम अब्दुल रहमान। अब्दुल जी एक डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर थे और अब्दुल जी इसके साथ ही बहुत ही स्ट्रिक्ट फादर भी थे। मदर नेम मुमताज़ बेगम। इसके अलावा भी उनके परिवार में उनकी 3 बहनें शहीदा मलिक, शहीदा और जहीदा भी हैं। करियर तेलुगु फिल्म डेब्यू 1995 में फिल्म जय सिम्हा से उनका इंडस्ट्री में आना हुआ। इसके बाद फिल्म कलम मारी पोछू, ये मूवी भी 1995 में रिलीज हुआ। सेम ईयर दो हिट मूवी देने के बाद हिंदी इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर उनको हिंदी फिल्म के लिए अप्रोच करना शुरू किया। हिंदी फिल्म डेब्यू 1956 में CID मूवी से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया और इसके बाद एक के बाद एक सक्सेसफुल मूवी वहीदा रहमान ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं अवार्ड लिस्ट की। सबसे बड़ा अचीवमेंट 2011 में मिला उनको। 2011 में इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से पद्म भूषण अचीवमेंट से नवाजा गया वहीदा रहमान को। उनके करियर में वहीदा 2 बार बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब जीत चुकी है। इसके अलावा उनको मिला नेशनल फिल्म अवार्ड, 2 फिल्मफेयर अवार्ड्स, फिल्मफेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और द सैनिटरी अवार्ड फॉर इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी अवार्ड। बॉयफ्रेंड्स एंड हस्बैंड। बॉलीवुड इंडस्ट्री में आने के बाद इंडियन फिल्म मेकर एंड एक्टर गुरुदत्त के साथ उनका लिंकअप हुआ, मगर कुछ ही महीनों के बाद उनका ब्रेकअप भी हो गया था। उसके बाद 27 अप्रैल 1974 में वहीदा ने कमलजीत से शादी कर लिया, मगर 2000 में वहीदा रहमान की पति का देहांत हो गया। उसके बाद ना ही उन्होंने किसी से रिश्ता जोड़ा है, ना ही किसी से शादी की है। चिल्ड्रंस वहीदा रहमान के 2 बच्चे हैं। सोन यानी कि बेटा का नाम है शोहिल रेखी और डॉटर यानी कि बेटी का नाम है काशवी रेखी। फेवरेट थिंग्स एंड हॉबीज। फेवरेट कोस्टार की अगर बात करें तो देव आनंद जी वहीदा रहमान के फेवरेट कोस्टार हैं। वहीदा रहमान देव आनंद जी को बहुत ही पसंद करते हैं और उनका क्रश देव आनंद जी ही थे। हॉबीज के बारे में अगर बात करें तो उनको कुकिंग, फोटोग्राफी और म्यूजिक सुनने का बहुत ही शौक है। मनी फैक्टर वहीदा रहमान के नेटवर्थ है करीब 17 मिलियन US डॉलर, जो भारतीय मुद्रा में होगा करीब 128 करोड़ 16 लाख के आसपास। लेकिन ज्यादातर पैसा वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रंग दे में डोनेट करते हैं गरीबों की मदद के लिए। तो दोस्तों आज का वीडियो यही तक था। आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अच्छे लगने पर वीडियो को भी लाइक करें। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वाली वीडियो पर। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।